बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको ट्रेंड पी के यूट्यूब चैनल में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, इस वक्त जो हमारे सामने सेलफोन पड़ा हुआ है, ये है जनाब ओप्पो का नया लॉन्च होने वाला सेलफोन ओप्पो 3X। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने ये सेलफोन जो है वो फर्स्ट टाइम सुना था कि ये 34,999 रुपीज़ की प्राइस में 4 GB रैम, 64 GB मेमोरी दे रहा है, तो मैंने कहा यार ये सेट कौन बाय करेगा। लेकिन जब मैंने इसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन देखी और इसकी जो है वो लुक देखी, इसका डिस्प्ले देखा, तो मुझे लगा कि यार इसमें जो ये 4 GB 64 GB की जगह अगर 4 128 ओप्पो कर देता तो ओप्पो का ये सेट काफ़ी हॉट जाने वाला था, क्योंकि इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी हैं। तो मेरा दिल किया कि मैं इस पर वीडियो भी बनाऊं और आपके साथ शेयर भी करूं। तो दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो जी हाँ जनाब, ओप्पो A3X की हम बात करते हैं। ओप्पो A3X की जो ऑफिशियल कंपनी प्राइस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 34,999 रुपीज़ है, 35,000। लेकिन इसमें जब आप बाय करने जाएंगे आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आप सुन लें। एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम है और 186 ग्राम इस सेलफोन का वेट है। 2 कलर्स में ये सेलफोन मार्केट में अवेलेबल है। और अगर मैं इसके जो है वो सिम्स की बात करूं तो डुअल सिम सपोर्टेड है, 4G सपोर्टेड सेलफोन है। प्रोसेसर पर आ जाते हैं जनाब, प्रोसेसर की बात करता हूं तो इसमें स्नैपड्रैगन जो है वो जनरेशन 1 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, स्नैपड्रैगन 6S जनरेशन 1। तो ये एक अच्छा प्रोसेसर है। और इसके साथ आगे भी बढ़ते हैं, बाकी स्पेसिफिकेशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा 720x1600 की रेजोल्यूशन है, IPS डिस्प्ले है और पांडा ग्लास की जो है वो प्रोटेक्शन के साथ ये सेलफोन आता है। आगे बढ़े तो हमें मेमोरी मिल जाती है 4 GB रैम के साथ, 64 GB मेमोरी इसका ड्रॉबैक हो सकता है। उसके बाद कैमराज की तरफ आ जाते हैं। बैक पर डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें जो मेन कैमरा सेटअप कैमरा है वो है 8 MP का। लेकिन आप ओप्पो, चूंकि ओप्पो का कैमराज की वजह से फेमस है, तो ओप्पो का 8 MP कैमरा भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है। इससे आप 1080 तक वीडियो शूट कर सकते हैं। और इसका जो सेल्फी कैमरा है वो है 5 MP का, और उससे भी आप जो है 720x1080p वीडियो शूट कर सकते हो। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और 5100 mAh की बैटरी है, 5100 mAh की बैटरी है और 45 W की फास्ट चार्जिंग को ये सेलफोन सपोर्ट करता है, यानी 45 W की फास्ट चार्जिंग टाइप सी के साथ। तो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है, 5100 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन 6S जनरेशन 1 का प्रोसेसर है। और इसकी जो लुक है कैमरा जो मोबाइल की जो वो बड़ी प्यारी है, मोबाइल देखने में बड़ा प्यारा है। तो इसमें जो ड्रॉबैक आ जाता है वो इसका जो 4 GB 64 GB में ये लॉन्च किया है ना ओप्पो ने, क्योंकि ओप्पो भी अपने आप को मतलब बड़ी टॉप चीज़ समझता है, तो इसने जो है वो प्राइस हाई रखी है थोड़ी, या तो फिर इसकी प्राइस जो है वो 30-31 हज़ार तक होती तो ठीक था। लेकिन इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन ज़बरदस्त हैं, यानी आपको 45 W का फास्ट चार्जर इस प्राइस पे मिल जाएगा और उसके साथ 5100 mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 6S जनरेशन 1 का प्रोसेसर। तो मुझे लगता है कि ये सेलफोन भी कहीं ना कहीं जो ओप्पो के लवर हैं और जिनको ड्यूरेबिलिटी की तरफ जाना है, रीसेल प्राइस अच्छी देखने को, रीसेल प्राइस 4 GB 64 GB की वजह से शायद अच्छी ना बने इसकी, लेकिन ये सेलफोन अगर किसी ने यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म यूज़ करना है, ओप्पो का लवर है, ओप्पो के फ़ैन हैं, ओप्पो पहले से यूज़ कर रहे हैं, जो उनको पता होगा कि ओप्पो के सेलफोन अच्छे होते हैं, तो सैमसंग एंड वीवो के बाद ओप्पो का नाम ही आता है, तो मेरे ख्याल में ये ओप्पो का सेलफोन उस बंदे को कंसीडर कर लेना चाहिए। तो बाकी ये मैं आपको अगेन स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। 5100 mAh की बैटरी के साथ 45 W का फास्ट चार्जर, जो कि 30 मिनट में आपकी हाफ बैटरी जो है वो चार्ज कर देगा। उसके बाद टाइप सी की साथ केबल आती है और 8 MP का बैक कैमरा है, 5 MP का सेल्फी कैमरा है, जिनसे कि आप 1080p तक वीडियो भी शूट कर सकते हो। और स्नैपड्रैगन 6S जनरेशन 1 का प्रोसेसर है, पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन है और खूबसूरत सेलफोन है, 2 कलर्स में आता है, 186 ग्राम इस सेलफोन का वेट है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।